हर साल अक्टूबर तक शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड का निवेश घटकर 55,700 करोड़ रुपए यानी पिछले साल इसी अवधि में हुए निवेश के मुकाबले आधे से भी कम रहा गया। बाजार नियामक सेबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जनवरी अक्टूबर के दौरान फंड मैनेजरों ने 1.12 लाख करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। पिछले दिनों शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखी गई और सेंसेक्स ने 40,600 से ऊपर का नया रिकॉर्ड ऊंचा स्तर बनाया, लेकिन म्यूचुअल फंड के निवेशकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिला क्योंकि फंड मैनेजरों ने इक्विटी में निवेश घटाया है। इससे इक्विटी मार्केट पर भरोसा कम होने का संकेत माना जा रहा है। दरअसल बाजार की तेजी कुछ ही शेयरों तक सीमित है। कुछ कंपनियों का प्रदर्शन जरूर शानदार रहा, लेकिन ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। प्राइम इन्वेस्टर डॉट इन की सह संस्थापक विद्या बाला ने कहा कि हम साल अब तक पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले म्यूचुअल फंड में रिटेल निवेशकों का निवेश घाटा है। नतीजतन फंड मैनेजरों ने इक्विटी में निवेश घटाया है। उन्होंने ये भी बताया कि सेंसेक्स और निफ्टी के नई ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद रिटेल निवेशकों ने अपनी संपत्ति पर इसका कोई सकारात्मक असर नहीं देखा। यही कारण रहा कि उन्होंने निवेश सीमित रखा। जब तक रिटेल निवेशक निवेश के लिए आगे नहीं आते हैं, आने वाले समय में ये ट्रेंड जारी रह सकता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस हेड के मुताबिक शेयरों में प्रति महीने निवेश सकारात्मक रहा है, लेकिन यदि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश हटा दें तो ये नकारात्मक हो जाता है। निवेश घटा है और निवेशक निश्चित अवधि में लगाते रहते हैं। इस साल कुल 55,700 करोड़ रुपए के निवेश में से ज्यादातर निवेश जुलाई सितंबर के दौरान हुए। फंड मैनेजरों ने इस दौरान 43,500 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया, लेकिन इन्हीं 3 महीनों में विदेशी निवेशकों ने 22,400 करोड़ रुपए की निकासी की। विदेशी निवेश आगे भी बढ़ सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।